एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। और मैं इसको लेकर बहुत श्योर हूं, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो वो कॉन्फिडेंस आप फील करोगे। आसान कैटेगरी में जो शुरुआत करते हैं वो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। पहले तरह के जो न्यूमेरिकल बच्चों होंगे वो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड मतलब इन न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं कूलम्स लॉ पर, उसमें क्या गिवन होता है, दो चार्ज गिवन होंगे, जैसे एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इनके बीच का सेपरेशन गिवन होता है और दोनों चार्ज गिवन होंगे, बीच का सेपरेशन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, ये सबसे आसान कैटेगरी से शुरू किया। तो दो चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यूज कर देना है 1/4πε0Q1Q2/r। ये बात न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि यहां चार्जेस का मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है, साइन यूज नहीं किया जाता। तो ये कूलम्स लॉ का सबसे पहला और सबसे आसान न्यूमेरिकल जिसमें चार्ज गिवन थे, सेपरेशन गिवन था और आपको फोर्स पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि लेट देयर आर टू चार्जेस +2 microcoulomb एंड -3 microcoulomb आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 10 cm फ्रॉम ईच अदर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो बड़ा सिंपल सा, दोनों चार्ज दे रखे हैं तो आपने क्या यूज करना था, फॉर्मूला यूज कर लेना है। और फॉर्मूले में कैसे यूज करना है, देखो 1/4πε0 इसकी वैल्यू हो गई 9×10⁻⁹। Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q1 मतलब 2 microcoulomb और अब लिखा है Q2 -3 है, लेकिन -3 नहीं लगाना आप, इसमें भी प्लस लगाओगे 3 microcoulomb और बीच का सेपरेशन कितना 10 cm का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में जरूरत होती है इनकी यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करना। तो जैसे 9×10⁹, अब 2 microcoulomb है बच्चों, कहीं भी अगर माइक्रो आएगा, जो कई बार आएगा, माइक्रो को आप बदलोगे -6 से, कहीं अगर माइक्रो आए तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो 2×10⁻⁶, 3×10⁻⁶। अच्छा अब बात आई सेंटीमीटर को कैसे बदलोगे, तो सेंटीमीटर 1 cm इक्वल टू 10⁻²⁪ m। तो यहां पर 10 cm है तो 10×10⁻²² होल स्क्वायर। बाकी न्यूमेरिकली आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। बच्चों देखो मेरा मेन मोटिव है कि आप कैसे फॉर्मूला ऑप्ट करोगे, कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही लोगे। ठीक, ये हो गया इस पर फॉर्मूला बेस्ड पहला। अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझ लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कि क्या क्या आ जाएगा। जैसे कुछ आ जाए Q1 Q2 के बीच में, तो Q1 और Q2 अब एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, एक प्लस और एक माइनस, ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला फोर्स लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसको ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसको कहा जाता है F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हमने क्या निकाला, यहां पर अगर मैं कहूं F12 क्या होगा या F21 क्या होगा तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इन दोनों के बीच का फोर्स F के ही बराबर होता है, यानी दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन वाइज कैसे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक, ये तो हो गई अपने पहला फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में एक कैटेगरी और इंक्लूड कर देते हैं, कैसे, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि लेट देयर आर टू चार्जेस 2 microcoulomb
प्लस 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर. इफ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस. ठीक है, तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि इस दूसरे कॉन्सेप्ट में चार्जेस गिवन होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन मिसिंग होता है और फोर्स. तो ये भी ऐसे क्वेश्चन को भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है इसमें. अपने पास फोर्स की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको मालूम होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 Q2 कितना हो गया, Q1 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और सेपरेशन R स्क्वायर. अब बड़ा आसान सा है बच्चों यहां पर कि यहां पर अगर आप क्या करते हो इसको और इसको इंटरचेंज कर लेते हो तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इंटरचेंज करने पर R स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, देखो तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. ठीक है, 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 जा 8 हो गया. ठीक है, या चाहो तो वैल्यू पहले लिख लो, क्योंकि देखो मेरा मेन मोटिव आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव है फिजिक्स में फॉर्मूले लगाने कैसे हैं. और R स्क्वायर को इंटरचेंज किया था तो यहां आ गया. आप इजीली यहां सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, आर स्क्वायर निकाल लोगे आप. और अगर आर स्क्वायर आ गया तो फाइनली आप आर स्क्वायर की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हो, आर. तो बच्चों ने पहली कैटेगरी हो गई जहां पर पहला मैंने बताया कि दोनों चार्ज गिवन सेपरेशन गिवन एफ पूछा जाएगा, या फिर दोनों चार्ज गिवन एफ गिवन और आर पूछा जाएगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं फोर्स और वेट रिलेशन पर. यानी फोर्स या वेट रिलेशन बच्चों क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप सुनो. इसमें क्या दे रखा होगा, इन क्वेश्चंस में इस तरह से दे रखा होता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू वेट ऑफ वन पार्टिकल. जैसे ईएससी वर्मा के बेसिक क्वेश्चन में भी शामिल है कि क्वेश्चन हो गया आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोटॉन. यानी इन क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, सीधे सीधे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस किसके बराबर दे रखा होता है, वेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट. ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कि दो चार्ज पार्टिकल का बीच में बच्चों फोर्स मान लिया जाता है और वो फोर्स किसके बराबर हो जाता है, वेट के बराबर. और फिर उसमें से कोई एक चीज को मिसिंग कर देते हैं, जैसे प्रोटॉन वाला भी क्वेश्चन आपके सामने था कि फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू वेट ऑफ प्रोटॉन. यानी प्रोटॉन के बीच का फोर्स वेट ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो दोनों प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन फाइंड करो. तो बड़ा सिंपल सा है, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी तो चार्ज हुए, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन अगेन प्रोटॉन और अपॉन आर स्क्वायर. और ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ प्रोटॉन. और बच्चों वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है m इंटू जी,
तो ये अपने पास हो जाएगा m इंटू जी। अब क्योंकि वेट ऑफ प्रोटॉन कह रहा है तो मास किसका मानोगे आप, प्रोटॉन का। तो फॉर एग्जाम्पल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लगाया, अब चार्ज ऑन प्रोटॉन कहा तो ये e इंटू ई, क्योंकि प्रोटॉन पर प्रोटॉन चार्ज किसके बराबर होता है 1.6 माइनस 19 कूलम और अपॉन आर स्क्वायर। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन का मास हालांकि क्वेश्चन में गिवन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में गिवन है जैसे 1.67 माइनस 27 केजी किलोग्राम। तो यहां लगा दिया आपने 1.67 माइनस 27 इंटू 9.8। जी को आप 10 भी मान सकते हो, तो आप ऑब्वियसली बात है ई की वैल्यू गिवन है, तो इसको सॉल्व करके अगर मैं आर स्क्वायर लगाता हूं तो आर स्क्वायर बच्चों सीधे सीधे कितना हो जाएगा, इनको और इनको इंटरचेंज कर लो तो आर स्क्वायर हो गया। सॉल्व करने में कितना हो गया, देखो इसको मैं इधर ले आऊं तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू 1. अच्छा एक स्टेप और लिख दिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, है ना। देखो ध्यान रखना, जब बच्चों फिजिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। हम पूरे टाइम किस पे ध्यान दे रहे होते हैं, अगर आपने देखा होगा अपने क्लास में आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे और आपके जो भी कंसर्न टीचर आपको न्यूमेरिकल समझा रहे होते हैं तो पूरे टाइम बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये और ये दो स्टेप, बाकी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी अगर ये सही हो गए, तो यहां फोकस करना है। अब फाइनली बड़ा आराम से इस कैलकुलेशन का मैं थोड़ा टाइम बचाऊंगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू क्या आएगी ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर लिख दूंगा तो आप चेक कर लेना कि आपने कैलकुलेशन सही की है कि नहीं की, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट जो कूलम्स लॉ पर क्वेश्चन की कैटेगरी है ये कहलाती है ग्राफ बेस्ड। ग्राफ बेस्ड कैसे होते हैं बच्चों, इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। जैसे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तो अच्छे से आपको याद ही हो चुका होगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बच्चों क्या है कि एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड देयर सेपरेशन, यानी आपको किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, दो चार्जेस के फोर्स के बीच में और उनके बीच के सेपरेशन, यानी ग्राफिकली आपको शो करना है कि दो चार्ज के बीच का सेपरेशन चेंज करने पर उनके बीच का फोर्स किस तरीके से चेंज होता है। तो बड़ा सिंपल सा, देखो एफ में और कोई आर स्क्वायर में अगर ग्राफ पूछता है तो यहां साफ देख सकते हो एफ प्रोपोर्शनल टू, देखो 1/r² है बच्चों, और एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² मतलब इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन हो गया, और इनवर्स रिलेशन का मतलब है आर अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एफ में और आर में कैसा ग्राफ आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ग्राफ बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसका इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बच्चों पूछा जाता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r². अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ में और 1/r² में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों एफ में और 1/r² में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, एफ में और 1/r² का ग्राफ बच्चों किस तरह से आएगा, यहां पर फिर से आप आ जाओ कूलम्स लॉ पर आ जाते हैं। ये तो मेरे का समझ आ गया होगा आपको, देखो समझो उस चीज को, एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ठीक है। अब यहां पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो Q1 Q2 / 4πε0 और 1/r² f, और इस पूरी टर्म को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, इसको पूरे को कैसा मान लूं, इसको मैं पूरे को कांस्टेंट मान लूं इस पूरी टर्म को, तो कांस्टेंट मानते ही f
इक्वल्स टू के वन अपॉन आर स्क्वायर, और क्योंकि इसको कांस्टेंट माना था तो अगर मैं कांस्टेंट को बच्चों हटा दूं तो एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो, वाई इक्वल टू एम एक्स, याद है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y equals to mx. तो अगर मैं f में और 1 upon r square में, ध्यान से देखना अब r square की बात नहीं हो रही है, f में और 1 upon r square की बात हो रही है, तो f में और 1 upon r square में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ कैसा आएगा, तो f में और 1 upon r square में ग्राफ y equals to mx के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। और बात कि स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू एम एक्स, एम का मतलब क्या हो गया k, और k का मतलब हो गया q1 q2, नहीं देखो तीनों को ध्यान से देखो, तो स्लोप ऑफ ग्राफ मतलब m मतलब k और मतलब q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों कांस्टेंट होता है, तो जो स्लोप होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर क्या करना है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं, एक है 2 माइक्रो कूलम और एक है प्लस का 4 माइक्रो कूलम आर सेपरेशन पर, और एक दूसरा पेयर है 6 माइक्रो कूलम और माइनस का प्लस का 8 माइक्रो कूलम, और दो इसके बीच का सेपरेशन भी आर है, और अगर मैं कहूं कि इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन F एंड 1 upon R square for given two pairs of charges. Then how we draw these two graph? तो क्योंकि दो pair of charges हैं, तो दो graph होंगे. अब graph में दोनों ही straight line होंगे, लेकिन slope किसकी ज्यादा होगी? इसका product 2 into 4, 8. इसका product 6 into 8, 48. तो इसका product ज्यादा है ना? तो ये दोनों के लिए ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, दोनों के लिए जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ दोनों के लिए ही स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ज्यादा स्लोप ज्यादा एंगल वाला ग्राफ कौन सा होगा, ज्यादा वाला होगा 6 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम, और इसकी स्लोप देखो बच्चों कम है, तो इसकी स्लोप कम है तो ये कौन सा वाला ग्राफ होगा, 2 माइक्रो कूलम एंड 4 माइक्रो कूलम, यानी रिजल्ट ये निकला कि एफ में और 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन में भी अगर एक से ज्यादा पेयर के लिए पूछा जाएगा तो ग्राफ में स्लोप किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसका ये प्रोडक्ट ज्यादा है। तो ये हो गया अपने पास ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इन क्वेश्चंस में क्या दे रखा होता है बच्चों, दो चार्जेस गिवन होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखा जाए जिससे वो जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पर रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों कहा जाता है प्रॉब्लम या इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक बच्चों होता है लाइक चार्जेस कॉन्सेप्ट, लाइक चार्जेस बड़े पहले ध्यान से आप समझ लीजिएगा, और एक होता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब है कि आपको दो एक से नेचर के चार्ज गिवन होते हैं, यानी या तो दोनों ही प्लस होंगे या दोनों ही माइनस होंगे, और आपको एक थर्ड चार्ज क्यू को रखना होता है इस सिस्टम में जिससे कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। और अनलाइक चार्जेस के कॉन्सेप्ट में बच्चों क्या होता है, अनलाइक चार्जेस के कॉन्सेप्ट में इसमें भी दो चार्जेस रहते हैं, लेकिन वो जो दोनों चार्ज रहते हैं
उसमें से दोनों चार्ज में एक प्लस होता है और कोई एक माइनस। इसमें भी थर्ड चार्ज को आपको ऐसी जगह रखना होता है कि जिससे वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हों और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू पुट अ थर्ड चार्ज क्यू इन सच अ मैनर सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यानी इस क्यू चार्ज को दोनों लाइक चार्ज के सिस्टम में कहां रखा जाए जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो बच्चों लाइक चार्जेस में एक वर्ड याद रखोगे, लाइक चार्जेस में वर्ड याद रखोगे विटबीन। यानी अगर दोनों चार्ज प्लस हैं या दोनों ही माइनस हैं तो थर्ड चार्ज को कहां रखने पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, वो इनके बीच में कहीं आपको रखना पड़ेगा। बीच का मतलब मिडिल नहीं है, बीच का मतलब विटबीन, कहीं पर भी। मान लेते हैं क्यू यहां रखा, इस डिस्टेंस को x अगर आपने मान लिया और टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं r था, तो एक चार्ज से x डिस्टेंस पर रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। वहीं अगर अनलाइक चार्जेस में पूछा जाता है कि थर्ड चार्ज को कहां रखें, तो अनलाइक चार्जेस के केस में आप याद रखोगे आउटसाइड, आउटसाइड। यानी अगर दोनों चार्ज में एक प्लस है और एक माइनस है तो थर्ड चार्ज को कहां रखने पर अपने को इक्विलिब्रियम मिलेगा, अपने को इक्विलिब्रियम मिलेगा इनके बाहर। अब जैसे ही बाहर वर्ड आ जाता है तो फिर दो ऑप्शन ऑप्शन हो जाते हैं अपने पास कि हम इसके पास भी रख सकते हैं, भाई यहां ये भी आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है, तो हम कैसे जज करें। तो पूरे वर्ड यहां सुनेगा, आउटसाइड टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। यानी अगर एक प्लस और एक माइनस है तो तीसरे चार्ज को कहां रखने पर वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो रहेगा कहां पर, जहां इसके बाहर रखेंगे, और बाहर भी कहां, छोटे वाले चार्ज की तरफ। अगर मैं इस क्वेश्चन में कहती हूं क्यू वन इज मोर देन क्यू टू, क्यू वन बड़ा है और क्यू टू छोटा है, तो क्यू को कहां जगह देनी पड़ेगी, क्यू को जगह देनी पड़ेगी टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज की तरफ, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पर, यहां भी एक्स डिस्टेंस पर। तो पहली बात मैंने आपको क्या सिखा दी कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो तीसरा चार्ज कहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, उनके बीच में, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं एक प्लस है और एक माइनस है तो इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम मिलेगा दोनों चार्जेस के बाहर, और बाहर भी किस तरफ, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कि इसकी पोजीशन को फाइंड कैसे करेंगे। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, पोजीशन फाइंड करना बड़ा आसान है। जैसे क्यू चार्ज रख दिया, अब क्यू चार्ज रखेंगे और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पर जितने फोर्स लगेंगे उनका सम कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे अब ये चार्ज क्यू है और इसको मैं प्लस मान लेता हूं, तो प्लस वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इसको कहां धक्का देगा, इस तरफ। तो ये हो गया देखो F1 Q1 ने फोर्स लगाया, और Q2 ये भी प्लस है, इस प्लस को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल कहां करेगा, F2 और अगर इक्विलिब्रियम पर है, फॉर इक्विलिब्रियम F नेट कितना होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स इस पर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने का मतलब F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 के। अच्छा F1 मतलब इनके बीच का फोर्स, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन X स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। और F2 का मतलब क्या हो जाएगा, F2 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q और अपॉन R माइनस X का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, q से q कैंसिल हो गया, तो सीधे q1 अपॉन x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, q2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। और आप इस रिलेशन का यूज करके आसानी से x को फाइंड कर सकते हो, ठीक। जैसा कि बोर्ड पर, स्क्रीन पर एक सामने क्वेश्चन है,
इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो अब ऐसे यहां आ जाते हैं अनलाइक चार्जेस में। क्या हुआ बच्चों, अनलाइक चार्जेस में भी अब इस कंडीशन में यहां पर भी क्या होगा, ये अगर इक्विलिब्रियम पर है तो Q1 क्या करेगा, Q1 इसको क्या करेगा अपनी तरफ, बल्कि Q1 ये प्लस और ये भी प्लस बाहर, और Q2 क्या करेगा क्योंकि अब माइनस है तो माइनस क्या करेगा, माइनस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहां सिखाया था मैंने इक्विलिब्रियम पर कि F1 और F2 न्यूमेरिकली बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, बिल्कुल वैसे ही यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में F1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर। अच्छा, F1 और F2 अगर बराबर हो गए तो F1 का मतलब बड़े ध्यान से देखेंगे, F1 मतलब Q1 और Q के बीच का फोर्स, ध्यान से देखो Q1 और Q, Q1 और Q के बीच का फोर्स, तो Q1 हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q और R प्लस X का होल स्क्वायर, R और प्लस X का होल स्क्वायर, और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो गया Q2 और Q के बीच का फोर्स, तो हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, माइनस नहीं आता है कूलम्स लॉ में, केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे हम लोग, तो Q2 Q और x स्क्वायर क्या कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, अगेन Q1 अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन x स्क्वायर। फर्दर न्यूमेरिकल जब दिए होते हैं तो इनकी वैल्यूज गिवन होती हैं, जिन वैल्यूज को रखकर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, जैसा कि नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके सामने है, मैंने डिस्क्रिप्शन में बच्चों इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो वहां से। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको? नेक्स्ट कैटेगरी कूलम्स लॉ की, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे कहा जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये किस तरह से होते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे अभी दो चार्ज, कई बार एक ऐसा चार्ज का हमें सिस्टम दिया जाएगा जहां पर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे और किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना होता है। आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, जिस पर एक जगह चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 और तीसरा चार्ज Q3 है, और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इस जो पॉइंट A है ये पॉइंट B मान लेते हैं और पॉइंट C मान लेते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज Q1 Due to Q2 and Q3, यानी सिस्टम में किसी एक चार्ज को टारगेट करके पूछा जाता है कि भाई इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो जब बात करेंगे नेट फोर्स निकालना होगा, तब नेट फोर्स का मतलब हम कहां पर आ गए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इनके लिए एक मंत्र बनाया है मैंने, वो मंत्र आप याद रखना, वो मंत्र क्या है, वो मंत्र है डी वी वी, बड़ा जबरदस्त मंत्र है भाई ये डी वी वी, और डी वी वी का मतलब है कि पहले डायरेक्शन बनाओ, फिर वैल्यू लिखो और फिर वेक्टर ट्रीटमेंट लगा दो। डायरेक्शन, वैल्यू और वेक्टर ट्रीटमेंट, देखो हर क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं उससे। ये मान लेते हैं Q1 और ये Q2, सबसे पहले डायरेक्शन का मतलब है कि अगर मैं इन तीनों को प्लस मान लेता हूं, मैं अभी बदल भी दूंगा आगे, कि अगर मैं दोनों को प्लस मान लेता हूं तो ऑब्वियसली बात है ये Q2 वाला इस पर फोर्स जो लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो सबसे पहले Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बना लो। नाउ दिस इज F1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ Q3 पर, Q3 क्या करेगा, Q3 भी प्लस है तो Q3 भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। नाउ ये कहलाएगा F1 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये हो गई डायरेक्शन।
अच्छा वैल्यू, अब मैं कहूं यार F12 की वैल्यू कितनी होगी, तो F12 की वैल्यू हो गई 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/a² अगर मैं इसकी साइड को a कह दूं, और F13 अगर मैं निकालता हूं तो बच्चों F13 कितना हो जाएगा, 13 का मतलब 1 और 3 के बीच में, तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3/a² ठीक। अब इसको जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको सॉल्व करके F1 और F की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन हो गई और वैल्यू हो गई। अब तीसरा आ गया वेक्टर ट्रीटमेंट। तो बच्चों वेक्टर ट्रीटमेंट का मतलब है कि इनके बीच में एंगल देखो कितना, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, या तीनों एंगल 60 60 60 के होंगे, तो ये भी 60 हो गया। और जब दो वेक्टर किसी एंगल पर हो और आपसे कहा जाए नेट फोर्स फाइंड कर लो, तो आपको 11th का फॉर्मूला याद होगा बच्चों, P² + Q² + 2PQ cos θ वेक्टर के लिए जो यूज करते थे वो यहां यूज कर दो, कितना हो जाएगा F12² F13² + 2F12 F13 cos 60। तो इजीली आप इनमें इनकी वैल्यू रखकर नेट फोर्स ऑन चार्ज निकाल सकते हो। ठीक, फिर ध्यान देना मैं तुम्हें बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल को किया कैसे जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हम डेरिवेशन पढ़ते हैं ये भी न्यूमेरिकल करने के बेसिक आस्पेक्ट हैं। इसको समझ लिया ना तो फिर हर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं इस पर मैंने प्लस क्यू, ये मान लेते हैं प्लस क्यू, और ये मान लेते हैं माइनस क्यू। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब आपसे कहा जाए सेम ऐसी क्वेश्चन ए बी और सी, फिर से आपसे पूछा जाए कि यार ए पर जो क्यू चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। देखो वही मंत्र डीवीवी, तो सबसे पहले ये जो चार्ज है इस पर जो पूछा गया है, आप ये ध्यान दियो कि इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, तो इस पर एक ये फोर्स लगाएगा और एक ये फोर्स लगाएगा, ये खुद भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नाउ दिस इज F1, अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 नाम दे दूं, ABC के मैंने 1 2 3 नाम दे दिया, तो ये हो गया F2, ठीक है, या F12 कह देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहां ये माइनस बैठा हुआ है तो माइनस क्या करेगा, अब ये रिपेल नहीं करेगा, अब क्या करेगा ये बच्चों, अब ये इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया F13। ठीक, तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन मैंने बना दी क्वेश्चन में, अब आता है वैल्यू, तो वैल्यू लिखना सीख लो बच्चों। F12 की अगर बात करें तो मैं 1/4 pi epsilon naught को अगर k मान लूं, तो फाइनली वैल्यू रखनी होगी इसकी k। चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया ये भी q और ये भी q, तो Q² और बीच का सेपरेशन अगर मैं a मान लूं तो a² ठीक है। ऐसे ही अगर मैं F13 निकालता हूं तो F13 में बच्चों क्या होगा, जरा सोच के देखो, F13 की अगर बात करें तो 1 और 3, तो 1 और 3 में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा k, ये भी q और माइनस q है तो भी q लगाएंगे, गड़बड़ नहीं करते ना कि माइनस लगा दो कहीं, यहां मैग्नीट्यूड लगाएंगे, और a² यानी k Q² / a² ठीक है। वैल्यू भी लग गई, देखो अब आया डायरेक्शन वेक्टर ट्रीटमेंट। देखो ये एंगल 60 था लेकिन अब ये एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये एंगल, ये कितना होगा जरा बताओ, ये 60, ये 60, और ऐसे क्वेश्चन में ये भी 60 हुआ, लेकिन हमें तो ये चाहिए थीटा कितना हुआ, तो ये टोटल एंगल 180 हुआ, टोटल एंगल 180 उसमें से 60 हटा दिया तो कितना बचा 120। तो अब अगर नेट फोर्स पूछा जाए तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, √P² + Q² + 2PQ cos θ, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, F12² F13² + 2F12 F13 cos 120। बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं, इसी
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। मंत्र याद रखना बच्चों, डीबीबी। डीबीबी मतलब पहले डायरेक्शन, फिर वैल्यू और फिर वेक्टर ट्रीटमेंट। जैसे जैसे मैंने तीन चार्ज का आपके सामने क्वेश्चन रखा था, अब चार्जेस को तीन की जगह चार मान लेते हैं, ठीक है। देखो चार चार्जेस मान लेते हैं, कौन कौन से देखो जरा। सबसे पहले अब ये मान लीजिए, जैसे ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दो, थोड़ा सा आपको 5 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम और माइनस 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ऐसे चार चार्जेस हैं और बीच में सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो क्यू चार्ज सेंटर पर रखा है इस स्क्वायर के सेंटर पर जिसकी साइड ए है, तो इस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फिर ये याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मंत्र, डायरेक्शन, वैल्यू और वेक्टर ट्रीटमेंट। अब देखो ये चार्ज कितने चार्ज से घिरा हुआ है, चार चार्जेस से घिरा हुआ है बच्चों। तो फाइनली क्या होगा, ये चारों चार्जेस इस पर फोर्स लगाएंगे, चार चार्ज फोर चार्जेस हैं, तो फोर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5 माइक्रोकुलम क्या करेगा, अगर इसको प्लस मानते हैं तो ये धक्का दिया इसने, इसको मैं 1, 2, 3 और 4 मान लेता हूं। तो 1 वाला चार्ज क्या करेगा, F1, ठीक है। 2 वाला अभी तो माइनस है, ये इसको अपने पास खींच लेगा, F2। अच्छा अब ये 5 वाला आया, इस 5 ने इसको यहां धक्का दिया था, तो ये वाला 5 क्या करेगा, इसको यहां धक्का देगा, F3, ठीक है। अब ये -2, ये -2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे आप ना बच्चों डायरेक्शन बनाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सॉल्व होने जैसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर बिल्कुल एक से हैं, यानी F1 किसके बराबर है, देखो F3, डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है, तो F1 किससे कैंसिल हो जाएगा, F3 से कैंसिल हो गया। ऐसे ही F2 और F4 की बात करें, देखो F1 मतलब 5 और Q के बीच का फोर्स, सेम सेपरेशन, और F3 का मतलब भी 5 और Q के बीच का फोर्स, सेम सेपरेशन, इसलिए F1 और F3 न्यूमेरिकली सेम हो गए और डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो नेट कितना आ गया, 0। अच्छा F4 और F2 की अगर बात करें, F4 और F2 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये भी दोनों क्या होंगे, देखो F2 Q और -2 के बीच का फोर्स, ठीक है, और F4 सेम पेयर ऑफ चार्ज के बीच का फोर्स, तो F2 किससे बराबर है, F4 के। या हम ऐसा कह सकते हैं F2 किससे कैंसिल हो जाएगा, F4 से, तो F1 कैंसिल हो गया F3 से और F4 कैंसिल हो गया F2 से। तो सिंपल सी बात है, F नेट कितना आ जाएगा, F नेट बच्चों कितना आ जाएगा, 0। अब आ जाते हैं कूलम्स लॉ के क्वेश्चन के लास्ट सेगमेंट में, ये कहलाता है स्ट्रिंग बेस्ड। इसमें जो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें कॉमन पॉइंट से दो चार्ज बॉडीज या दो ऐसे मास कॉमनली एक ही पॉइंट से सस्पेंड होते हैं और इन दोनों पर चार्ज होता है, ठीक है। मेरी बात समझा कि जैसे दो बॉल ली आपने, सिंपल पेंडुलम नहीं था जैसे अपने पास, दो बॉल्स ली और उनको क्या किया, एक ही कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, दो अलग अलग स्ट्रिंग लेकिन एक ही पॉइंट से लटके हुए, जैसा कि डायग्राम है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक मैं आपको जनरलाइज कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसमें जो पूछा जाए एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट से। अब सही समझो पहले कि अगर इस पर भी चार्ज क्यू और इस पर भी चार्ज Q1 Q2 और लाइक चार्जेस हैं दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो लाइक चार्जेस होते ही ये दोनों ऐसे तो रह नहीं पाएंगे, ये दोनों फाइनली क्या करेंगे, देखो
फाइनली एक दूसरे को क्या कर देंगे, तुरंत रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिपेल। और रिपेल करने में सिचुएशन देखो ये आ जाएगी, आगे की नहीं आगे देखो, और ये सस्पेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। अब आपको इसको एनालाइज करना है। मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन सा ऐसा मेथड बताऊंगा कि इस पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बेसिक सा क्वेश्चन। कैसे देखो, अब सबसे पहले इसका फ्री वर्ल्ड डायग्राम देखो, कौन सा फोर्स कहां कहां लगेगा। सबसे पहले इस पर चार्ज अगर Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो ये हो गया F2 और ये हो जाएगा F1, दोनों फोर्स रिपेल करेंगे। अच्छा, रिपेल करने के साथ इनका वेट mg डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अच्छा, वेट अगर डाउनवर्ड है, अब इस कंडीशन में सुनो जरा, यहां पर ये फोर्स और ये फोर्स क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन। स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन। और अगर मैं मान लूं कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल सस्पेंड करती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं इस टी के कंपोनेंट करूं तो टी का कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, और एंगल की डायरेक्शन में बच्चों जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस होता है, तो ये कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। अब फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में टी साइन थीटा बच्चों किसके बराबर आएगा? टी साइन थीटा, ये तो हो जाएगा F2 के बराबर। F2 मतलब इनके बीच का फोर्स। और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ है, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? mg। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो टी साइन थीटा को टी कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आएगा? से डिवाइड कर ही देता हूं मैं, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, ये आ गया F2 और अपॉन mg, ठीक है? तो यानी टेन थीटा किसके बराबर आ गया? F2 अपॉन mg। नाउ दिस इज द की फॉर्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चन में हर एक चीज इसी फॉर्मूला से सॉल्व की जा सकती है। कैसे? देखो, टेन थीटा, सबसे पहले मान लें कि इनके बीच का सेपरेशन स्ट्रिंग की लेंथ को एल दिया है, ये दे रखा होता क्वेश्चन में, स्ट्रिंग की लेंथ गिवन होती है और इन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन भी गिवन होता है। अक्सर वो सेपरेशन एक्स करके दे रखा होता है, जैसे ये सेपरेशन एक्स हो गया दोनों बॉल्स के बीच का, तो आधा डिस्टेंस x/2 और x/2 हो बच्चों। देखो तो यार, टेन थीटा कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो टेन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, ठीक? तो ये कितना हो गया, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x/2 और बेस कितना हो गया? बेस हो गया अंडर रूट, ये तो निकालेंगे देखो राइट एंगल ट्राइंगल में, L² - x² / 4, ये मैंने लगा दिया 10 थीटा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या हुआ? फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0Q×Q और अपॉन x², क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन x हुआ, और mg। अब आप टेक्स्ट बुक का अपना क्वेश्चन उठाना और आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते चले जाएंगे। अच्छा, स्पेशल कंडीशन कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में बच्चों क्या होगा, ये एक्स गिवन नहीं होता है, थीटा गिवन होता है, तो आप परेशान मत होना, एक्स और थीटा को रिलेट भी कर सकते हैं, कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ थीटा रिलेट कर सकते हो। कैसे? देखो, यहां पर आप लगाना साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हुआ, यानी x/2 अपॉन l, यानी x/2l, तो x कितना आ जाएगा? 2l साइन थीटा। यानी अगर किसी क्वेश्चन में, वैसे आसान क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गए, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन है, किसी क्वेश्चन में एक्स गिवन नहीं है, तो आप परेशान मत होना, आप इस फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर देना। बच्चों, इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन किया है कि मैक्सिमम मैं बोर्ड के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर पाऊं, लेकिन फिर भी
मुझे मेरा मानना है कि मुझसे कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश छूट सकती है, तो प्लीज बेटा आप कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरह के न्यूमेरिकल पर बेस में वीडियो और इंक्लूड कर दूं जिससे मैं आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को रिमूव कर दूं।